Hello friends, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today we will learn the second method of determination of transport number, and this method is moving boundary method. This is a requested video, so let's start the topic. Friends, ये एक requested video है, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन करने की दूसरी मेथड, मूविंग बाउंड्री मेथड, जिसे हम चल सीमा रेखा विधि भी कहते हैं. इससे पहली विधि मैंने आपको बताई थी हिटोर्फ मेथड, तो आज स्टार्ट करते हैं मूविंग बाउंड्री मेथड या चल सीमा रेखा विधि. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई विल टेल यू द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड. The moving boundary method is based upon the direct observation of migration of ions in the electric field. The principle is explained with the reference to determination of transport number of H positive ion in hydrochloric acid or HCl. मूविंग बाउंड्री मेथड का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो आयन्स अपोजिट पोल की ओर को मूव करते हैं, और इन आयनों का अपोजिट पोल की ओर को जो मोमेंट है, हम इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, और ऐसे ही हम ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन्स का कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो मूविंग बाउंड्री मेथड है, इसका अपरेटस कैसा होता है. अपरेटस, द अपरेटस यूज्ड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब फिटेड विद टू इलेक्ट्रोड एट टू अपोजिट एंड. द अपरेटस यूज्ड, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ, देखिए, लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब विद इलेक्ट्रोड एट टू अपोजिट एंड, कैथोड एंड एनोड. कैथोड इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम फॉइल, वाइल एनोड इज कंसिस्ट ऑफ कैडमियम स्टिक. नाउ HCl सॉल्यूशन फिल्ड एट टॉप, वाइल CdCl2 सॉल्यूशन फिल्ड एट बॉटम. HCl इज अ प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट, वेयर एज CdCl2 सर्व्स एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट. It is always the indicator electrolyte which enables. It is always the indicator electrolyte which enables formation of boundary. Due to this electrolyte CdCl2, a clear boundary is formed between HCl and CdCl2. Due to difference in their refractive index, both of the solution HCl and CdCl2, a clear boundary is formed, which is AA dash. मूविंग बाउंड्री एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपको एक लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब आपने लेनी है, जिसके दो अपोजिट एंड में इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं. टॉप एंड में इलेक्ट्रोड होता है, उसे कहते हैं कैथोड, जिसे निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैथोड प्लेटिनम फॉइल का बना रहता है, प्लेटिनम वायर से बना रहता है. जबकि बॉटम पे, या दूसरे अपोजिट एंड पे, बॉटम पे एनोड होता है, और एनोड पॉजिटिव साइन वाला होता है, और एनोड बना रहता है कैडमियम स्टिक से. इसके बाद जो टॉप एंड है, इस टॉप एंड में हम HCl सॉल्यूशन भर देंगे, और CdCl2 सॉल्यूशन, और बॉटम एंड पे CdCl2 सॉल्यूशन भर देंगे यहाँ से. इस कंप्लीट अपरेटस में जो कैथोड है उसको बैटरी के थ्रू, और एनोड को
कूलोमीटर के थ्रू जोड़ देंगे, तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा, बैटरी, बैटरी के बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद कूलोमीटर, और इसको कनेक्ट कर देंगे एनोड और कैथोड को कनेक्ट कर देंगे बैटरी, रेजिस्टेंस और कूलोमीटर से। जैसा कि हमें पता है कि कूलोमीटर क्या होता है, कितनी हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है उसको मीज़र करता है, तो कूलोमीटर इसीलिए अप्लाई किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है। इलेक्ट्रोलाइट हमने दो लिए हैं, HCl और CdCl2, जिसमें से HCl प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए क्योंकि इसके H पॉजिटिव है के आयन का ही ट्रांसपोर्ट नंबर हमें निकालना है, और CdCl2 एक सेकेंडरी इलेक्ट्रोलाइट है जिसका काम क्या होता है, इंडिकेटर की तरह काम करना, सूचक की तरह काम करना, और इसी CdCl2 के कारण इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में क्लियर बाउंड्री AA डैश बन गई, क्योंकि एक इंडिकेटर का काम करता है, इसका कोई पर्टिकुलर कलर होगा, HCl या तो कलरलेस होगा, जो भी है उन दोनों के बीच एक क्लियर बाउंड्री दिखाई देगी। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि HCl और CdCl2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक गुणांक अलग अलग होने के कारण भी इन दोनों के बीच जब इन दोनों को सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो एक क्लियर बाउंड्री AA डैश दिखाई देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन दोनों के इन सॉल्यूशन के बीच बाउंड्री इसलिए बनी है क्योंकि हमने ये इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया है जो कि इंडिकेटर का भी काम कर रहा है, तो इसका एक पर्टिकुलर कोई कलर होगा, पिंक रेड, और जैसे ये कलरलेस है तो इन दोनों के बीच क्लियर बाउंड्री दिखाई देगी। इसलिए इस HCl की कंसंट्रेशन को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है और CdCl2 की कंसंट्रेशन को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि HCl का वेट बहुत कम हो और CdCl2 का वेट इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो, जिसकी वजह से HCl अगर लाइटर है तो ये क्या करेगा और CdCl2 हैवियर है तो HCl इस CdCl2 के ऊपर फ्लोट करेगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात और बतानी है, ये जो हमने इंडिकेटर लिया है एनोड पे CdCl2, ये हम कोई भी नहीं ले सकते, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। मूविंग बाउंड्री मेथड में जो हमें इंडिकेटर लेना है सॉल्यूशन, वो इंडिकेटर के होने के लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि इंडिकेटर में दोनों में कॉमन आयन होने चाहिए। देखिए, इंडिकेटर में CdCl2 एक आयन दे रहा है Cl, और यही Cl आयन ये जो दूसरा है जिसका हमें ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है उस सॉल्यूशन में भी हमें Cl आयन दिख रहा है, तो कंडीशन पहली हो गई कि इंडिकेटर आयन में कॉमन आयन होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन, जो इंडिकेटर आयन है उसके जो आयन है वो जो हमारा सॉल्यूशन जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर हमें कैलकुलेट करना है उसकी तुलना में इसका वेलोसिटी का रेट कम होना चाहिए, मींस जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर हमें निकालना है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और इंडिकेटर कैटायन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम। तो ये दो क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से हम मूविंग बाउंड्री मेथड में इंडिकेटर का सिलेक्शन करते हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट का। तो इस मेथड के, इस रूल के अकॉर्डिंग CD2 पॉजिटिव की वेलोसिटी H पॉजिटिव की तुलना में बहुत कम होती है, पहली कंडीशन फुलफिल। और दूसरी कंडीशन देखिए, HCl में भी Cl निगेटिव आयन है और CdCl2 में भी Cl निगेटिव आयन है, तो कॉमन आयन है तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी, इसलिए मूविंग बाउंड्री मेथड में CdCl2 सॉल्यूशन एज अ इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। The selection of the indicator electrolyte has to be made carefully. The cation of indicator electrode must not move faster than cation whose transport number is to be determined. Moreover, it must have the same anion as the principal electrolyte like HCl. Keeping these parameters in mind, cadmium chloride CdCl2 solution is chosen because cadmium chloride fulfills both these requirements. The first, the mobility of cadmium ion is less than H positive ion velocity and it has a common anion Cl negative with HCl. Apparatus ko
कंप्लीटली समझने के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके वर्किंग मैकेनिज्म पे कि ये मूविंग बाउंड्री मेथड काम कैसे करती है. तो मेथड्स हम पढ़ने जा रहे हैं. वेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू कंडक्टिविटी सेल देन Cl नेगेटिव एनायन क्लोराइड आयन मूव्स टुवर्ड्स एनोड पॉजिटिव. सिमिलरली H पॉजिटिव आयन एज वेल एज Cd2 पॉजिटिव आयन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड. बट द वेलोसिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन इज फास्टर देन Cd2 पॉजिटिव आयन. वेन H पॉजिटिव आयन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड नेगेटिव देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस अकर्स एट कैथोड एंड दिस गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन प्लेटिनम फॉइल ड्यू टू विच द कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन डिक्रीजेज ऑन टॉप ऑफ द अपरेटस. अ स्लो मूवमेंट ऑफ Cd2 पॉजिटिव आयन ऑल्सो ऑब्जर्व इन द अपवर्ड डायरेक्शन. द एच पॉजिटिव आयन आर रिप्लेस्ड बाई Cd2 पॉजिटिव आयन एंड हेंस बाउंड्री लाइन मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम AA- टू BB- बाई नोटिंग द लेंथ थ्रू विच बाउंड्री मूव्स L एंड क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिस पास थ्रू सेल क्यू. द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इजिली डिटरमाइंड. जैसे ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हम पास करते हैं इस एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट में, तो इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो एच पॉजिटिव आयन है वो मूव करते हैं कैथोड या माइनस की ओर इस प्लेटिनम फॉइल की ओर, और Cl नेगेटिव आयन मूव करेंगे डाउनवर्ड कहाँ की ओर को, पॉजिटिव प्लेट मतलब एनोड की ओर को. जैसा कि हमें प्रिंसिपल पता है कि कोई भी आयन अपोजिट पोल की ओर को मूव करते हैं. अगर पॉजिटिव आयन है तो वो निगेटिव प्लेट की ओर को मूव करेगा और निगेटिव आयन है तो पॉजिटिव प्लेट की ओर को मूव करेगा. तो यही प्रिंसिपल यहाँ भी लागू होता है. ऐसे ही CdCl2 सॉल्यूशन जो है वो Cd2 पॉजिटिव और 2Cl निगेटिव आयन देता है. तो जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे या हम कह सकते हैं इसको कि करंट पास करेंगे, ये Cd2 पॉजिटिव आयन मूव करेंगे निगेटिव प्लेट मीन्स कैथोड की ओर को, मीन्स ऊपर की ओर को मूव करेंगे, और ये Cl निगेटिव आयन नीचे की ओर को, क्योंकि हमें इसमें केवल कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर देखना है, इनका मूवमेंट देखना है, तो हम मेनली इसी पर फोकस करते हैं. तो हम जैसे ही करंट पास करते हैं जो टॉप ऑफ द HCl है, यहाँ से जो H पॉजिटिव आयन है ये मूव करते हैं कैथोड निगेटिव की ओर को, और कैथोड हमने बनाई है प्लेटिनम में, तो ये H पॉजिटिव आयन धीरे धीरे इस प्लेटिनम में एब्जॉर्ब होते हैं. ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को से रिएक्ट करते हैं और 2H पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बनाते हैं, और वो H2 गैस इस प्लेटिनम फॉइल पर एड्सॉर्ब हो जाती है. ऐसे ठीक इसी प्रकार मैंने बताया था जो बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन है यहाँ Cd2 पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन भी कैथोड माइनस की ओर को मूव करेंगे तो Cd2 पॉजिटिव आयन भी ऊपर की ओर को मूव करते हैं. ये मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कि CdCl2 एक इंडिकेटर आयन है जिसमें Cd2 पॉजिटिव का मूवमेंट इस एच पॉजिटिव की मूवमेंट की तुलना में बहुत कम होगा. मतलब Cd2 पॉजिटिव बहुत धीरे से चल रहे हैं जबकि एच पॉजिटिव का मूवमेंट या वेलोसिटी रेट बहुत ज़्यादा है. अब देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे एच पॉजिटिव आयन ऊपर की ओर को मूव कर रहे हैं तो यहाँ जो ये सॉल्यूशन रखा हुआ है इसका अमाउंट कम होता जा रहा है, ठीक है. इसके अलावा यहाँ आपको पता है जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करने पर ये जो स्टिक आपको एनोड दिखाई दे रही है कैडमियम से बनी हुई है, तो कैडमियम धीरे धीरे घुलने लग जाता है, और कैडमियम घुलेगा तो आपको पता है कैडमियम ये एनोड है. जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं एनोड में जो कैडमियम स्टिक है घुल रहा है क्योंकि कैडमियम में पाए जाते हैं Cd2 पॉजिटिव आयन, तो ये मूव करेंगे ऊपर की ओर को. तो पहले अमाउंट इतना था AA- के बराबर, ये आपको बाउंड्री दिखाई दे रही, जैसे ही
इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगी, करंट हम फ्लो करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से ये जो एनोड है, एनोड कैडमियम स्टिक की बनी है, ये कैडमियम स्टिक पिघलने लग जाएगी। और जैसे ही कैडमियम स्टिक पिघलेगी तो ये रिलीज करेगी Cd2 पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर ये जो Cd का अमाउंट है धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, और वैसे भी Cd मूव कर रहे हैं अपवर्ड की ओर। तो आपको पता है अभी तक क्लियर बाउंड्री यहाँ पर ए ए डैश दिखाई दे रही है, क्योंकि सॉल्यूशन इतना ही था। जैसे हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, ये कैडमियम भी घुलने लग जाएगा और कैडमियम का अमाउंट बढ़ेगा। तो ये बाउंड्री जो क्या होगी, ए ए से मूव करेगी ऊपर की ओर को, और ये बाउंड्री हमें क्लियर दिखाई देगी। मान लीजिए ये बाउंड्री अब यहाँ पर पहुँच चुकी है बी बी डैश डैश में। अगर आपको ये बाउंड्री कैसे ए ए डैश से बी बी डैश जा रही इसमें कन्फ्यूज़न हो रही, तो इसको मैं एक ट्रिक से समझा सकती हूँ। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल वही अपरेटस की तरह मैंने बनाया है। मान लीजिए ये एक अपरेटस है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है। टॉप पे मान लीजिए मैंने ऑयल रखा हुआ है और बॉटम पे मैंने रखा हुआ है वाटर। देखिए जो बॉटम पे आपने रखा हुआ है एनोड पे, उसको हम इंडिकेटर की तरह काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने ग्रीन कलर, ये जो पानी है ग्रीन कलर का मैंने कलर इसमें घोल दिया है, समझाने के लिए कि इन दोनों की क्लियर बाउंड्री दिखे। ये वाइट कलर का है और ये ग्रीन कलर का है, तो हमें इन दोनों के बीच मतलब कहाँ से ऑयल शुरू हो रहा और कहाँ से वाटर शुरू हो रहा, वो क्लियरली हम पता कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि अभी इन दोनों के बीच की बाउंड्री ये है, ठीक है, ए ए डैश, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए ये ऑयल यहाँ से निकलता जा रहा है, मतलब जैसे इस मेथड में हमारा क्या था कि एच पॉजिटिव कैथोड में एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, पहले अभी पूरा भरा हुआ था, थोड़ी देर में एच पॉजिटिव यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो कंसंट्रेशन पूरी दी हुई है इसका वॉल्यूम, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि ये सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है प्लेटिनम सरफेस में। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर जो ऑयल रखा है धीरे धीरे निकलता जा रहा है, तो ये अमाउंट पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा, घटेगा। अब इसके अलावा वही करंट फ्लो हो रही है ऊपर, ये प्रोसेस हो रही है। इसके अलावा यहाँ नीचे जो है हमारा एनोड, ये एनोड मान लीजिए आइस से बना हुआ है, खाली समझाने के लिए कि आइस से बना हुआ है, बर्फ़ से बना हुआ है एनोड। तो जैसे करंट फ्लो कर रहे हैं ये आइस भी पिघलता जा रहा है, पिघलेगा तो यहाँ H2O की क्वांटिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो मान लीजिए ये दो सॉल्यूशन, ये ऑयल और ये वाटर के बीच मैंने एक कागज़ रखा हुआ है, कागज़ समझ लीजिए, ठीक है, ऊपर से फ्लोट कराने के लिए, या फिर लकड़ी का बुरादा रखा हुआ है। अब जैसे ये बर्फ़ पिघलती जाएगी यहाँ इस कंपार्टमेंट में, बॉटम वाले कंपार्टमेंट में वाटर की वाटर का अमाउंट बढ़ेगा, और अमाउंट बढ़ेगा तो आपको पता है ये क्या होगा, ये कागज़ अभी यहाँ है, पानी अगर इसमें और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बाउंड्री है या जो कागज़ है और ऊपर चला जाएगा। जैसे बाल्टी में ही सोचिए कि जैसे जैसे आप पानी बढ़ते जाते हैं, नीचे है तली में है एक कागज़, ठीक, जैसे जैसे आप पानी बढ़ता जाता है उसमें पानी भरते जाइए, वो कागज़ ऊपर की ओर को आने लगेगा। तो यही कंडीशन है, आइस पिघलता जा रहा है, इसमें कैडमियम स्टिक पिघलती जा रही है, सॉल्यूशन बढ़ेगा, तो बाउंड्री अभी यहाँ थी, थोड़ी देर बाद अमाउंट बढ़ेगा तो बाउंड्री ऊपर की ओर को मूव करेगी। ये एक ट्रिक है याद करने के लिए जो मैंने अभी सोच के आपको बताई है, ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए। तो यही देखिए इसमें मैंने बताया है, ये कैडमियम स्टिक है, ये डिजोल्व हो रहा है करंट फ्लो करने में, तो यहाँ पर सीडी का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो ये बाउंड्री जो ए ए डैश यहाँ थी, दो डाइग्राम में समझा सकते थे बट इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने इसी डाइग्राम में बता दिया कि अभी ये स्टार्टिंग में इनिशियल बाउंड्री थी ए ए डैश पे, फिर करंट फ्लो करने में सीडी मेल्ट हुआ तो सीडी की कंसंट्रेशन बढ़ी, और इसके अलावा सीडी ऊपर के अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये माउंट बाउंड्री जो ए ए डैश पे है अमाउंट बढ़ने की वजह से वो मूव करेगा बी बी डैश। तो मान लीजिए इनिशियल और जो फाइनल बाउंड्री है इनके बीच की लेंथ एल मान लेते हैं। मूविंग बाउंड्री मेथड की एक दूसरी मेथड सिंपलेस्ट ऐसे भी है, देखिएगा ये ऑपरेटर्स आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर भरा हुआ है ए एक्स सॉल्यूशन और नीचे रखा है बी एक्स सॉल्यूशन, ये बी एक्स सॉल्यूशन इंडिकेटर का काम कर रहा है। तो अब आपको पता है ए पॉजिटिव आयन यहाँ है, बी पॉजिटिव आयन यहाँ है, तो ये आयन निगेटिव प्लेट की ओर को मूव करेंगे, और जो निगेटिव आयन है ये मूव करेंगे पॉजिटिव प्लेट की ओर को। मैंने आपको बताया है कि ये जो प्लेट हमारी होगी ये धीरे धीरे पिघलती जाएगी, तो ये मूव क्या, ये जो बाउंड्री बनी हुई है ये थोड़ी देर बाद मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ये इनिशियल बाउंड्री थी,
और जब यहाँ अमाउंट बढ़ा तो ये बाउंड्री ऊपर की ओर को मूव कर रही है, और यहाँ जो आयन है वो आपको पता है सारे के सारे यहाँ एड्सॉर्ब हो जा रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन कम हो जाएगा, और यहाँ अमाउंट बढ़ने की वजह से ये बाउंड्री ऊपर की ओर को मूव कर रही, तो ये बाउंड्री फाइनल बाउंड्री ये है। तो इनिशियल बाउंड्री और फाइनल बाउंड्री के बीच की जो लेंथ है उसे मान लीजिए हम एल सेंटीमीटर मान लेते हैं। आप चाहें तो ये वाला डायग्राम अगर आपको ईजी लग रहा है तो आप इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक्यूरेसी ज़्यादा उसमें है। एपरेटस को समझने के बाद और मेथड को समझने के वर्किंग मेथड को समझने के बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मूविंग बाउंड्री मेथड से ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। कंसंट्रेशन लेट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव लिया है, आप कोई भी आयन ले सकते हैं, H पॉजिटिव या फिर A पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, कैटायन मीन्स लेट कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इक्वस टू मान लीजिए C मान लेते हैं हम C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है उसमें जो कैटायन है उनकी कंसंट्रेशन मान लीजिए सी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लीटर है, लीटर को आप एमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में ज़्यादातर आपको लीटर में दिया होता है तो आप इसमें एमएल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप लिखेंगे सी अपॉन 1000 ग्राम इक्विवेलेंट पर एमएल। इसको हमने एमएल में कन्वर्ट कर दिया। लेट द डिस्टेंस थ्रू विच बाउंड्री मूव इक्वस टू एल सेंटीमीटर। ये मैंने बताई थी कि जिससे पहले इनिशियल बाउंड्री ये है, फाइनल बाउंड्री है, इनके बीच की लेंथ मान लीजिए एल सेंटीमीटर है, एल सेंटीमीटर। और इसके बाद ये जो ट्यूब दी है, इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब इज 1 या एस, आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हम एस मान लेते हैं, एस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता चल गया जो आयन्स हैं कैटायन उनका जो कंसंट्रेशन हम सी मान सकते हैं, और उसको हम एमएल या लीटर दोनों में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्टेंस जिसके थ्रू बाउंड्री मूव कर रही है वो एल सेंटीमीटर मान लिया, और जो ट्यूब है जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है जहाँ पर ये मूवमेंट ऑफ आयन हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एस सेंटीमीटर स्क्वायर हमने मान लिया। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव या ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, एच पॉजिटिव मूविंग अपवर्ड तो एच पॉजिटिव के उन इक्विवेलेंट की संख्या
जो कि ऊपर की ओर को मूव कर रहे हैं, वो आपको पता है जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतने ज़्यादा आयन, उतने ज़्यादा एच पॉजिटिव के इक्विवेलेंट मूव करेंगे अपवर्ड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहले तो एस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपको पता है मूविंग बाउंड्री मेथड में, ये मूविंग बाउंड्री में ये लेंथ जो है जितनी ज़्यादा ऊपर तक चला जाएगा मीन सॉल्यूशन उतनी ज़्यादा ऊपर की ओर को मूव कर रहे हैं। ये एल की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतने सी डी टू पॉजिटिव आयन ज़्यादा से ज़्यादा आयन ऊपर की ओर को मूव कर रहे होंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, इनटू एल इनटू इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन आपने फिल किया हुआ है इसमें जो HCl आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा है, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतने तेज़ी से मूव करेंगे, तो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। तो जो ऊपर की ओर को मूव करने वाले इक्विवेलेंट्स हैं H पॉजिटिव आयन या कैटायन के इक्विवेलेंट्स, उनकी जो नंबर है संख्या है वो डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ और कंसंट्रेशन पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। माना हम करंट टोटल पास कर रहे हैं एन, नंबर ऑफ फेराडे, नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ करंट पास्ड, जो हम टोटल करंट पास कर रहे हैं कितने फेराडे पास कर रहे हैं, मान लीजिए हम एन फेराडे पास कर रहे हैं, और n इक्वस टू होता है, मैं यहीं पर शो कर देती हूँ, n इक्वस टू होता है क्यू बाई एफ, क्यू बाई एफ, एफ तो फेराडे है और क्यू होती है क्वांटिटी ऑफ करंट पास, क्वांटिटी ऑफ करंट, कितनी करंट हम पास कर रहे हैं अपॉन फेराडे, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेराडे करंट पास, मतलब जितनी करंट पास कर रहे हैं वो होता है क्यू बाई एफ। अब जैसा कि हम ट्रांसपोर्ट नंबर में पढ़ चुके हैं कि जो कैटायन और एनायन हैं ये क्या करते हैं, ये मोबाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो करंट को कैरी करते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाई एच पॉजिटिव आयन, आप ए पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, मतलब कैटायन कितना करंट के फ्रैक्शन को कैरी कर रहा है ये आपको पता है डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट नंबर पर, कैटायन के जो भी आप ले रहे हैं, इसके अलावा कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है इस पर भी डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज़्यादा करंट कैरी करेगा एच पॉजिटिव आयन, वैसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा करंट कैरी करेगा, तो फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय एच पॉजिटिव आयन इक्वल टू हो जाएगा एन नंबर ऑफ फेराडे पास्ड इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में उतनी ज़्यादा करंट कैरी होगी एच पॉजिटिव के द्वारा, समझ में आया, आपको पता है कि करंट कैरी कब होती है, जब एच पॉजिटिव आयन मूव करते हैं तभी तो करंट कैरी होती है ना, तो एच पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा मूव करेंगे उतनी ही करंट कैरी होगी एच पॉजिटिव के, मतलब जितना मूव कर रहे हैं वो किसके बराबर होगा, उतनी ही करंट कैरी होगी एच पॉजिटिव के द्वारा, तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन, या इसको आप लिख सकते हैं कैटायन मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में जितने ज़्यादा आयन मूव करेंगे उतना फ्रैक्शन करंट का कैरी किया जाएगा कैटायन के द्वारा, फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय कैटायन, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आयन मूविंग अपवर्ड, कितने
कितने इक्विवेलेंट कैटायन के मूव कर रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू थी एस एल सी के बराबर, इक्वस टू फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय कैटायन। कैटायन कितने फ्रैक्शन को, मतलब कैटायन कितना फ्रैक्शन करंट का कैरी कर रहे थे, ये था एन टी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, एच पॉजिटिव। तो हमें ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकालना है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन टी एच पॉजिटिव इक्वस टू एन, यहाँ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन एन। ये आ गया मूविंग बाउंड्री मेथड से हम ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का कैसे निकालेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन की जगह हम रख सकते हैं 1000 ग्राम इक्विवेलेंट पर एमएल, ये लीटर में था इसको चेंज कर दिया एमएल में। और ऐसे ही एन की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, एन होता है टोटल नंबर ऑफ फेराडे कितनी करंट हमने पास की, करंट की पास की वो क्यू अपॉन एफ के बराबर होता है, क्यू होता है क्वांटिटी ऑफ करंट, अपॉन एफ होता है फेराडे पास्ड। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन टी पॉजिटिव इक्वस टू एस एल सी अपॉन, देखिए एन की जगह पर आप रखेंगे क्यू बाई एफ, क्यू अपॉन एफ तो एफ ऊपर चला जाएगा, तो एस एल सी एफ हो गया और क्यू नीचे आ गया, और सी की जगह हमने थाउजेंड रखा था, सी की जगह पर सी अपॉन थाउजेंड, तो थाउजेंड इंटू क्यू। तो मूविंग बाउंड्री मेथड का मैं ट्रांसपोर्ट निकालने का फॉर्मूला है एस एल सी एफ अपॉन थाउजेंड क्यू, जिसमें एस है क्रॉस सेक्शन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीन्स यह है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल होता है बाउंड्री के बीच जो बाउंड्री जिससे मूव कर रही है वो लेंथ, इसको एल सेंटीमीटर में लिखेंगे, सी होता है कि कैटायन की कंसंट्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में या ग्राम इक्विवेलेंट पर एमएल में, और एफ होता है फेराडे पास्ड फेराडे, क्यू होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ट्रांसपोर्ट नंबर हमें अगर पता चल गया, तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का पता है तो एनायन का निकालना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या, टी निगेटिव माइनस वन अपो वन माइनस टी पॉजिटिव। तो अगर हमें टी पॉजिटिव पता है इससे निकालेंगे, तो टी निगेटिव ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ एनायन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग बाउंड्री मेथड कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी मूविंग बाउंड्री मेथड पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर वन है, इन अ मूविंग बाउंड्री एक्सपेरिमेंट विद 0.1 नॉर्मेलिटी केसीएल यूजिंग 0.065 नॉर्मेलिटी एलआईसीएल एज इंडिकेटर सॉल्यूशन, अ कांस्टेंट करंट ऑफ 0.005893 एम्पियर वाज पास्ड फॉर 2130 सेकेंड। The boundary was observed to move through 5.6 centimeter in tube of 0.1142 square centimeter cross section. Calculate the transport number of K positive and Cl negative ion. देखिए इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दिया गया है S L C F और क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की जो पास की गई है। तो एस होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एस दिया था 0.1142 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, लेंथ जिससे बाउंड्री मूव कर रही है वो है 5.6 सेंटीमीटर, कंसंट्रेशन इसकी दी है 0.1 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन दिया हुआ है, और फेराडे तो हमें पता है 965
डबल ज़ीरो होती है ना फेराडे की वैल्यू, और क्वांटिटी कितनी दी गई है इलेक्ट्रिसिटी की, दी गई है देखिए, क्वांटिटी इसमें कंप्लीट नहीं दी गई है, क्वांटिटी इसने इसमें दिया है कि ये कांस्टेंट करंट ऑफ 0.005893 एम्पियर पास की गई है फॉर 213 सेकेंड, मतलब इसमें आई करंट और टी टाइम दिया है, आई जो दिया है वो दिया है 0.00589 एम्पियर ये करंट है, कभी कभी ऐसे भी देगा, और टी दे रखा टाइम 213 0 सेकेंड। अब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ के पॉजिटिव हमें निकालना है, तो फॉर्मूला लगाते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन के पॉजिटिव इक्वस टू क्या था, एस एल सी एफ अपॉन 1000 क्यू। तो इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं, एस की वैल्यू दी गई है आपको 0.1142, एल की वैल्यू दी गई है 5.6, सी कंसेंट्रेशन दिया गया है 0.1 इंटू फेराडे है 96500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू क्यू दिया गया है, ये वैल्यू हम लिख लेते हैं 0.00589 एम्पियर इंटू 213 0 सेकेंड। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट, मैं कर चुकी हूँ कैलकुलेशन, तो वैल्यू आएगी 0.4916 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसको आप 1000 से, सॉरी 0.491 आंसर है, 0.491 66। तो हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्स 0.491 के बाद देखिए 66 आ रहे हैं, तो इसको 492 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया नंबर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ के पॉजिटिव या फिर कैटायन। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन मतलब सी एल निगेटिव निकालने हैं, फॉर्मूला था 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, तो 1 में से माइनस कर दो 0.492, तो ये वैल्यू माइनस करके आ गई 0.508। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और एनायन इस फॉर्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब कंसंट्रेशन दी गई हो, नॉर्मेलिटी मोलेलिटी आपको दी जाएगी, तो मैं फॉर्मूला पहले से ही करा हुआ है चेंज, आपको कुछ नहीं करना है, सी की जगह केवल वैल्यू रख दीजिएगा 0.1, और अगर डायरेक्ट लीटर में या किसी अदर में दिया होता तो अगर मैं ये फार्मूला 1000 नहीं लिखती तो आपको इसको कन्वर्ट करना ही पड़ता 1000 में। तो फार्मूला दिया गया है इसलिए कंसंट्रेशन जो आपको दी जाएगी केवल उतना ही लिखेगा, बाकी फार्मूला बना हुआ है, इसको किसी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन है क्यू या तो आपको एक वैल्यू देगा या फिर आई और टी करंट और टाइम दोनों की वैल्यू अलग अलग देगा, तो उसको आप कैलकुलेट करके लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्टेंड बाई मूविंग बाउंड्री मेथड। एच सी एल की कंसंट्रेशन दी गई है, वेट दिया है सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन कूलोमीटर, इस समय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी गई है, और मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके इक्वल होता है, कूलोमीटर के इक्वल। तो जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है वो हम किलोमीटर से निकालते हैं। डिस्टेंस मूविंग मूव्ड बाय बाउंड्री 7.5 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है, इक्विवेलेंट वेट दिया गया है, तो इससे हम निकाल देंगे। तो हमें केवल क्यू पता नहीं है, और वो क्यू हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ही निकालेंगे किलोमीटर से। इस क्वेश्चन में हमें गिवेन है, दिखाई दे रहे हैं, एस दिया गया है 1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, कंसंट्रेशन दी गई 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। देखिए एजी का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है, सॉरी मोलर मास होता है 108, तो 108
ग्राम जो सिल्वर है, एजी कूलोमीटर की बात करें ना, सिल्वर कूलोमीटर यूज़ किया गया है, तो कॉपर कूलोमीटर होता है तो कॉपर का वेट आता है, तो 108 ग्राम एजी जो है वो किसके 1 फेराडे के बराबर होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही थी 0.12 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो 0.12 ग्राम एजी इक्वस टू कितना हो जाएगा, 0.12 ग्राम एजी का है डिवाइडेड बाय 108 ग्राम ऑफ एजी, क्योंकि ये फेराडे के बराबर होता है, इक्वस टू इसको डिवाइड कीजिए 0.00111 आया, और ये जो आएगा ये हो जाएगा एन। देखिएगा इसमें कंफ्यूज मत होजिएगा, एन इक्वस टू होता है क्यू बाई एफ, ठीक है। तो आपको पता है क्वांटिटी जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाती है, कूलोमीटर में जितना डिपॉजिट हुआ है, तो क्वांटिटी कितना हो गया, क्वांटिटी हो गई हमारी 0.12 डिपॉजिट हुआ था तो उतनी ही क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास हुई होगी अपॉन फेराडे, 1 फेराडे ही लेना है, और 1 फेराडे बराबर होता है किसके, उसके मोलर मास के बराबर, कंपाउंड के मतलब किलोमीटर के, तो 108 है, तो क्यू अपॉन एफ, क्यू की वैल्यू आपको पता है क्वांटिटी है डिपॉजिट जो हुई है 0.12, और फेराडे है, फेराडे इसके बराबर हो जाता है 108, तो एन आ गया। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, यहाँ पर कैटायन है एच पॉजिटिव आयन, तो हो जाएगा एस एल सी एफ, एफ की इसमें ज़रूरत नहीं है, अपॉन 1000 एन लिख सकते हैं, क्यू की लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्यू है और ये एफ है, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एस दिया है 1.25, एल दिया है 7.5, सी दिया है 0.1 अपॉन 1000 इंटू एन दिया है 0.0011। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ गई 852, तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर एच पॉजिटिव आयन का है। अब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन का भी निकाल सकते हैं, जो एन आयन इसमें दिया गया है एन आयन वही है सी एल निगेटिव आयन, तो एन आयन निकालने के लिए माइनस करने में 0.148 आ जाता है, ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन। फ्रेंड्स, मूविंग बाउंड्री मेथड हमने कंप्लीट कर ली है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और कोई वीडियो आपको स्पेशल चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।